हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इटली से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसकी मुख्य भूमि एक प्रायद्वीप है। दोस्तों, प्रायद्वीप एक ऐसा द्वीप होता है जो कि तीन तरफ से समुन्दर से घिरा हुआ होता है, जैसा कि हमारा भारत भी एक प्रायद्वीप है क्योंकि ये तीन तरफ से समुन्दर से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल लगभग 301,230 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का 71वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है और इस देश का 80% भाग पहाड़ों और पर्वतों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर इस देश की राजधानी की बात की जाए तो रोम इस देश की राजधानी है, जिसे 1871 में इटली की राजधानी घोषित किया गया था। दोस्तों, ये शहर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस देश की राज्य भाषा इतावली है और अगर इस देश की करेंसी की बात की जाए तो इस देश में यूरो को करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो इटली 1861 में एक देश के रूप में स्थापित हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 10 जून साल 1946 को एक लोकतांत्रिक देश बना था। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा शहर इटली के अंतर्गत ही आता है। ये एक स्वतंत्र देश है जिसकी सीमाओं की रक्षा इटली करता है। इसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। दोस्तों, इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 7वें नंबर पर है। दोस्तों, इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ करीब 50 विश्व धरोहर स्थल है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इस देश में हर साल लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इटली की 60% कमाई का भी जरिया टूरिज्म ही है। दुनिया की अगर सबसे लंबी सुरंग की बात की जाए तो वो भी इटली में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक बनी है। इसे बनाने में करीब 17 साल लगे थे। दोस्तों, इटालियन वैज्ञानिकों ने कई चीजों का आविष्कार किया है, जिसमें से थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी शामिल है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इटली में सबसे ज्यादा फैशन डिजाइनर ब्रांड मौजूद हैं, जैसे गुची, प्राडा, अरमानी और गवाना आदि शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका के खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस और महान व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी और रहस्यमय पेंटिंग बनाई थी, ये दोनों महान व्यक्ति इटालियन ही थे। दोस्तों, हम सबका सबसे ज्यादा फेवरेट पार्टी डिश पिज्जा इसी देश की देन है। इसी देश में सबसे पहले पिज्जा बनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में इटली में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन किया जाता है। वैसे तो इटली एक विकसित देश है, लेकिन फिर भी इस देश की 1/3 आबादी ने कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, इस देश में नंबर 17 को अनलक्की माना जाता है। यहाँ किसी होटल की बिल्डिंग में 16 के बाद सीधे 18वीं मंजिल आती है और यहाँ रूम नंबर 17 होता ही नहीं है। ये लोग 17 नंबर से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मध्य इटली में एक फवारा है जिसमें दिन के समय 24 घंटे रेड वाइन बहती है। दोस्तों, ये सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। दोस्तों, इस देश में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घूमने के लिए पर्यटन स्थल है। इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका नाम माउंट ब्लॉक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,807 मीटर है। दोस्तों, इटली की राजधानी प्राचीन रोम में जल देवता को खुश करने के लिए पानी के अंदर कॉइन फेंका जाता है। ये यहाँ की मान्यता है कि इससे जल देवता खुश होते हैं और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, इटली में सदियों से खेती की जा रही है और सदियों से हो रही खेती के कारण इटली ने अपनी अधिकांश प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को खो दिया है और ज्यादा शिकार करने से यहाँ ज्यादातर प्राकृतिक वन्य जीव भी गायब हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। दोस्तों, ये देश खेलों में भी बहुत ज्यादा रुचि रखता है। इसके अलावा सॉकर यानी कि फुटबॉल इटली का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। इसके अलावा दोस्तों, इटली 4 बार विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप जीत चुका है। दोस्तों, इटली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ज्यादा जाना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं। तो हर किसी को इस जगह एक ना एक बार जरूर घूमना चाहिए और इस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। ये थे इटली से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।